हेलो व्यूज, वेलकम बैक टू नईम इंग्लिश क्लब। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम चलते हैं टाइम ना जाया करते हुए अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम देखेंगे पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। इसके टोटल 7 पीरियड्स हैं अमेरिकन लिटरेचर की। तो हम कंजेक्टिवली देखते हैं, सबसे पहले है कलोनियल पीरियड। इसको कलोनियल पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका कोलोनाइज था ब्रिटिश से, इसलिए इसको कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। सेकंड पे है रेवोल्यूशनरी एज। इसको रेवोल्यूशनरी एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स लिखे जाने लगे थे, जिनमें है डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, और इसमें जो आर्टिकल थे, लॉज थे, इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस भी रेवोल्यूशनरी एज में स्टार्ट हो चुकी थी। थर्ड पे आता है अर्ली नेशनल पीरियड। इसको अर्ली नेशनल पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर की शुरुआत जो जब लिखा जाने लगा तो इस दौरानिए में हुई, और जब इस दौरानिए में अमेरिकन लिटरेचर लिखा जाने लगा तो उसको प्योर अमेरिकन लिटरेचर का नेम दिया गया। फोर्थ पे आता है रोमांटिक पीरियड, जिसको अमेरिकन रेनेसा भी कहते हैं, और इसमें सिविल वॉर भी हुई थी 1861 से लेकर 1865 तक। फिफ्थ पे है रियलिस्टिक पीरियड है, जिसमें रियल स्टोरीज थी, रियलिस्टिक फिक्शंस लिखे जाने लगे, इसलिए इसको रियलिस्टिक पीरियड का नेम दिया जाता है। और सिक्स पे है नेचुरलिस्टिक पीरियड। इसको नेचुरलिस्टिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डार्विन की जो थीरी थी एवोल्यूशन की, वो पेश की गई, जिसके मुताबिक इंसान पहले बंदर की शक्ल में था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट चेंज्ड इट्स फिजिकल अपीयरेंस, और बाद में ये इंसान की शक्ल अख्तियार कर गया। और लास्ट पे हमारे पास आता है अमेरिकन मॉडर्न राइटर्स जो है, या मॉडर्न पीरियड है, जो कि स्टार्ट हुआ 1914 से लेकर 1939 तक। ये था शॉर्ट बर्ड आई व्यू किसका, पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर का। दो में याद रखिएगा, नईम इंग्लिश क्लब को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।